චුල්ල පජ්ජුන්න දිහිතු සුත්ත. චුල්ල පජ්ජුන්න දිහිතු මතලා පජ්ජුන්න පජ්ජුන්න සුමනසුම පදදීමුතු. පජ්ජුන්න දේවතාකා චෝට බෙටි කේ චල්ති බතායග සුත්ත. පජ්ජුන්න දේවතාකා චෝට බෙටි. චුල්ල පජ්ජුන්න දිහිතු. දිහිතු මතලා බෙටි. उस समय भगवान बुद्ध वैशाली में महा जंगल में कूठागार शाला में विराजमान थे। उसी दिन कोकनदा पज्जुन देवता का छोटा बेटे का नाम क्या है? कोकनदा। कोकनदा रात खत्म होने के पहले, खत्म होते समय, मतलब कितना बजे लगभग? दो बजे। इस तरह दो बजे देवताओं आने का टाइम बनते थे। दो अढ़ाई बजे देवताओं आता है भगवान से मिलने के लिए। एक दो बजे ना रात में आता है। हाँ, मैं दस बजे आता है। दो अढ़ाई बजे, तीन बजे मेरे ख्याल से भगवान रात खत्म होते समय, मतलब दो बजे खत्म है भगवान उठ जाते थे दो बजे। हाँ वही, दो बजे देवताओं आता है भगवान से मिलने के लिए। रात खत्म होते समय पूरा महा जंगल को एकालोक करके भगवान बुद्ध के पास आया। आकर के नमन करके कुर खड़ा हो गया। खड़े होकर छोटी कोकनदा पज्जन बेटी ये गाथा बताई। पज्जन देवता का बेटी कोकनदा बिजली का प्रकाश जैसा चमकते चमकते अब यह आई है। तथागत भगवान बुद्ध सत्य धर्म को नमन करते हुए ये गाथा बताया। ये तथागत भगवान बुद्ध के पवित्र धर्म बहुत प्रकार से विस्तार कर सकते हैं। जिस प्रकार ये धर्म मैंने सुना, फिर मैं मनन करके योनिसु मनसिकार करके जितना दूर तक मैंने ये धर्म को प्रयास किया, वो धर्म को मैं सारांश करके बताता हूँ, बताती हूँ। सारांश करके मतलब शॉर्ट करके, संक्षिप्त। वाणी से, मन से, या तो फिर हर जगह पे, शरीर से भी, किसी भी जगह पे कुछ भी पाप नहीं करते हैं। पंच काम को त्याग करके हमेशा होश में रहते हैं। अपना घटा के लिए, अपना घटा के लिए जो कुछ होता है वो प्रयास नहीं करते हैं। ये है शरीर मन वाणी से जो कुछ पाप है कहीं भी नहीं करते हैं। पंच काम त्याग करके होश में रहते हैं। अपना घटा के लिए जो कुछ होता है, अपना अवनति के लिए वो कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं। आदित्य सुप्त श्रावस्त में भगवान बुद्ध थे। उस दिन एक देवता भगवान बुद्ध के पास आया। आकर के भगवान बुद्ध को नमन करके ये बात बताया। घर जल जाते समय उसी घर से जो कुछ बर्तन या सामान निकाल देंगे तो उसी से कुछ ना कुछ काम आ जाता है। घर के अंदर जो कुछ जल जाता है उससे कोई काम नहीं आता है। वैसे ही है जरा मृत्यु से जलने वाले ये संसार, जरा मृत्यु से निरंतर जलने वाले इस संसार में दान दे करके अपना चीज अलग करना चाहिए। जो कुछ दिया है वो अच्छी तरह से अलग कर दिया है,
इसका मतलब हम लोग का जीवन जरा मृत्यु से क्या हो रहा है, हमेशा जल रहा है। तुरंत हटाना चाहिए क्या? पुण्य जो देता है उससे मिलने वाले फल बहुत ही सुख है, लेकिन नहीं देने से ऐसा सुख नहीं मिलता है। जो नहीं देता है वो चीज चोर लोग ले जाता है, या तो फिर सरकार लेता है, या तो फिर जल जाता है या खत्म होता है। अंत में सुख संपत्ति के साथ साथ शरीर भी त्याग करके जाना पड़ता है। ये बात जो कोई प्रज्ञावान लोग जान जाते हैं वो लोग क्या करना चाहिए, खुद भी खाते पीते रहना चाहिए, दूसरों को भी देना चाहिए, अपना शक्ति के हिसाब से दान दे करके भोजन करके बिना अपमान होके स्वर्ग में जन्म लेना चाहिए। बिना अपमान होके मतलब तो किम ददसि उत्तर। एक देवता भगवान बुद्ध के पास आके बताया, क्या देने से बल दिया हुआ होता है, क्या क्या देने के बाद सुंदरता दिया हुआ होता है, क्या देने के बाद सुख दिया हुआ होता है, क्या देने के बाद आंख दिया हुआ होता है, ये सब कुछ क्या देने से दिया हुआ होता है। महान तथागत जी हमारा ये प्रश्न का जवाब दीजिए। पहला क्या है? बल। भगवान बुद्ध ने बताया पुण्यवान देवता जो कोई दान पानी वगैरह देते हैं, खान पान दिया तो बल दिया हुआ होता है। वस्त्र दिया तो सुंदरता खूबसूरती दिया हुआ होता है। यान वाहन दिया तो सुख दिया हुआ होता है। यान वाहन मतलब आलोक दे दिया तो आंख दिया हुआ होता है। जो कोई घर द्वार बना के देगा तो वो सब कुछ दिया हुआ होता है। तथा जो कोई सत्य धर्म बता देगा तो वही है अमृत दान, वही सर्वश्रेष्ठ अमृत दान। तो समझ में आ गया, बल दिया हुआ होता है क्या देने से? खान पान पानी भी आ जाता है उसमें। सुंदरता दिया हुआ होता है कपड़ा देने से। सुख दिया हुआ होता है यान देने से। यान वाहन, वाहन भी हिंदी है ना, यान भी हिंदी है। आंख दिया हुआ होता है क्या देने से? प्रकाश, नहीं प्रकाश, प्रकाश देने से। यानी कि बल पूजा के लिए दिया हो जाए, टॉर्च देने से। लेकिन सब कुछ दिया हुआ होता है, घर द्वार बना के देंगे तो सब किया जाता है। लेकिन अमृत दान है सत्य ज्ञान का धर्म दान। ऐसा तो घर बना के सब कुछ है, क्योंकि घर में सब चीज रहता है। लाइट रहता है, पूजा की महासंघ की लाइट, उसमें सब कुछ है ना। आप क्या सब कुछ किया उसमें? हैं तो इसीलिए सब कुछ दिया है। अन्न सूक्त, अन्न मतलब भोजन, अन्न। एक देवता भगवान बुद्ध के पास आके बताया,
देव मानव ये दोनों लोगों में से सारे लोग खान पान खुशी मन से स्वीकार करते हैं। अगर कोई जो कोई खान पान स्वीकार नहीं करेगा तो वो कौन है, बता सकते हैं? भगवान बुद्ध जी से पूछे तो भगवान बुद्ध ने बताया, जो कोई श्रद्धा मन से प्रसन्न मन से खान पान पूजा करेगा तो इस जन्म तथा अगले जन्म में उनको खान पान से कोई कमी नहीं होता है। इसीलिए खंजूसी को त्याग करके खंजूसी नाम का जो जंग है उसको तोड़ के दान देना चाहिए। सारे लोगों को अगले जन्म में तथा इस जन्म में सिर्फ पुण्य सहायता होता है। एक मूल सूत्र, एक मूल सूत्र मतलब शुरुआत करने के बारे में बताएगा सूत्र। देवता भगवान बताया, कभी भी नहीं भरने वाले एक समुद्र है, वो समुद्र अविद्या से शुरुआत होता है। उसी समुद्र में दो गो गड्ढा है, एक गड्ढा का नाम है दूसरा गड्ढा का नाम है नहीं। उसी समुद्र में तीन खचड़ा का खचर भरा हुआ तीन जगह है। पहला है, पहला खचड़ा का गोदाम है राग, दूसरा कचड़ा का गोदाम है द्वेष, तीसरा कचड़ा का गोदाम है मोह। पांच पत्थर है बहुत बड़ा, वो है पंच काम, बहुत बड़ा बारह गड्ढा है। एक गड्ढा है आंख, दूसरा गड्ढा है रूप, तीसरा गड्ढा है कान, चौथा गड्ढा है शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये गड्ढा पाताल जैसा बहुत गहरा है। तथागत भगवान बुद्ध जी वही समुद्र को पार कर दिए। समझ में आ गया? समुद्र है, शुरुआत होते अविद्या से, उसका दो गो अंत है, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, दो गो गड्ढा है, वो दो गड्ढा का दो अंत है, वो क्या है नाम है नहीं। तीन कचड़ा का गोदाम राग द्वेष मोह, बहुत बड़ा पत्थर की पांच इसका बारह गड्ढा है, बहुत गहरा है। रूप शब्द का अंदर से स्पर्श कान नाक जी शरीर मान महर्षिवर तथागत भगवान बुद्ध वही सागर पार करते हैं। अनोम सूत्र परिपूर्णत्व के बारे में बताया गया सूत्र। सर्व संपूर्ण जीवन है, बहुत महीन महीन अर्थ को समझ लेने वाले, प्रज्ञा की दान देने वाले, पंच काम पे एक बूंदा भी आसक्त नहीं होने वाले, सब कुछ प्राप्त किए हुए, अमृत निर्वाण की रास्ता पर संपूर्ण करके जाने वाले महाज्ञानी महर्षिवर तथागत भगवान बुद्ध को दर्शन कीजिए, यही बताए देवता।
तो भगवान दर्शन के भी बताए अच्छा सूत्र बताए क्या एक देवता बता हे तथागत ये अप्सरा लोग अप्सरा मतलब दिव्य अप्सरा ये दिव्य अप्सरा बहुत हल्ला-गुल्ला करती है पिशाच जैसा पिशाच मतलब प्रेत प्रेत जैसा मोह से बनाया हुई जंगल जैसा हम इधर से कैसे मुक्त हो जाएंगे भगवान बुद्ध बताया आर्य मार्ग की एक सीधा मार्ग जहाँ डर नहीं है वहाँ इस रास्ता लगा हुआ है उसी रास्ते पे जाने के लिए एक रात है उसी रात में कोई आवाज नहीं आता है एकदम शांत उसी रात का चक्का धर्म की चक्का है उसी रात में बैठने वाले आसन है लज्जा भय उसी रात को सजाया हुआ है होश का सजावट से सतिपट्ठान की सजावट से सम्मादिट्ठि का आंतरिक बल को लेकर के रहने वाले तथागत भगवान बुद्ध सत्य धर्म है उस रात का रताचार्य कोई भी स्त्री या पुरुष को ऐसा रथ मिल गया था जरूर उनको अमृत निर्वाण की ओर आ सकता है वानरोपसूत दिन रात दोनों समय में किसको पुण्य बढ़ते जाता है सत्य धर्म पर रहने वाले सीलवान कौन लोग स्वर्ग में जन्म लेते हैं भगवान बुद्ध ने बताया जनता के लिए फूल और फल का पेड़ रोपने वाले फूल बनाने वाले फूल बनाने वाले तथा आराम करने के लिए जगह बनाने वाले पोखर बनाने वाले घर द्वार बनाने वाले दान देने वाले जो कोई है तो उन लोगों को दिन रात दोनों समय में पुण्य बढ़ते जाता है धर्म पर रहने वाले सीलवान जनता लोग स्वर्ग में जन्म लेते हैं